Hello, Namaste, Adab, Sat Sri Akal, Namaskar and welcome to Toothsomegrub Yummy Recipes. हम आए हैं आपके पास एक और नई रेसिपी लेकर. आज की जो हमारी रेसिपी है ये एक महाराष्ट्रियन स्नैक है जो डीप फ्राइड होता है. मराठी में इसे भोपळ्याचे घारगे कहते हैं और इंग्लिश में आप इसे स्वीट पम्पकिन पूरीज भी कह सकते हैं. रेसिपी स्टार्ट करने से पहले टूथसोमग्रब को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को हमारे लाइक और कमेंट कीजिए और ढेर सारे दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस शेयर कीजिए. चलिए तो हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं. सबसे पहले हमने लिया है कद्दू करीब एक कप के आसपास, फिर हमें लगेगा गुड़ एक कटोरी के आसपास, फिर हमने लिया है अजवाइन एक छोटा चम्मच, हमें लगेगा घी एक बड़ा चम्मच, फिर हम लेंगे मैदा करीब दो कप के आसपास और उसके साथ हमें लगेगा दो चम्मच चावल का आटा, स्वाद अनुसार नमक और एक छोटा चम्मच जीरा. सबसे पहले हम कद्दू को काट लेंगे बारीक पीसेस में. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इसे काट सकते हैं या इसे ग्रेट कर सकते हैं. अगर आप ग्रेट करेंगे तो आप डायरेक्ट इसे गुड़ के साथ पका सकते हैं. अगर आप पीसेस करेंगे तो आपको पहले इसे मिक्सर में इसे लगाना पड़ेगा, इसके बाद आप गुड़ में इसको पका सकते हैं. चलिए हमने कद्दू को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है. अब हम लेते हैं मिक्सर. मिक्सर के बर्तन में हम डाल देंगे हमारा सारा कद्दू, फिर हम इसमें डालेंगे करीब एक से डेढ़ चम्मच जीरा, फिर हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच अजवाइन और फिर इन सब को हमें बारीक पीस लेना है. ध्यान रखिए इसमें हमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी के ही हम कद्दू को पीस लेंगे. एक मिनट के आसपास हमने कद्दू को पीसा है. चलिए देखते हैं हमारा कद्दू पूरी तरह पीसा या नहीं. जी नहीं, इसमें थोड़ी घाटे हैं, इसे और अच्छे से बारीक हम पीस लेते हैं. जब तक हमारा कद्दू पीस रहा है एक थाली में हम ले लेते हैं मैदा. मैदे का प्रमाण करीब दो कप होगा. मैदे में फिर हम मिला लेंगे हमारे दो चम्मच बड़े चम्मच चावल का आटा. फिर हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और इसे साइड में रख देंगे. गैस पे हमें रखना है बर्तन. बर्तन में हम डाल देंगे जो कद्दू की प्यूरी हमने बनाई थी मिक्सर में पीस के, उसे डाल देना है. और फिर हम इसमें डालेंगे करीब एक कटोरी के आसपास गुड़ किसा हुआ. अब आता है इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव. हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करते रहना है और हमें कद्दू और गुड़ पे ध्यान रखना है, क्योंकि गुड़ के वजह से हमारा कद्दू जब पक जाएगा ये जलने लगेगा. इसीलिए हमें बहुत ही धीमी आंच पे इसे पकाते रहना है और चम्मच को चलाते रहना है. फिर हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच घी और दोबारा से हम इसे मिक्स करके पकाते रहेंगे. जैसे ही हमारा कद्दू का मिक्सचर पकता जाएगा इसका कलर हल्का डार्क होता जाएगा हल्दी की तरह, और इसका पानी भी थोड़ा सा कम होता जाएगा. ये देखिए हमारा कद्दू पक चुका है. जो पके हुए कद्दू का मिक्सचर है वो हम डाल देंगे हमारे आटे में, जो मैदा और चावल का हमने लिया था इसमें डाल के हम इसी में आटे को गूंदेंगे. इसमें हमें पानी नहीं मिलाना है. ध्यान रखिए कद्दू गर्म होगा, इसे हल्का ठंडा होने दीजिए और उसके बाद आप इसमें आटे को अच्छे से गूंद लीजिए. पानी आप बिल्कुल भी नहीं डालेंगे. ये देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से हमें कद्दू के आटे को गूंदते रहना है. हमारा कद्दू का आटा गूंद के रेडी हो चुका है. इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे दोबारा से गूंद लेंगे. अभी हम आटे का एक बड़ा गोला ले लेंगे, जैसे हम पूरियों के लिए लेते हैं एक बड़ी रोटी बेलेंगे. ये देखिए गेहूं का आटा मैंने लगा लिया है और इस गोले को अब हम बेल लेंगे बड़ी रोटी में. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रोटी आपके बेलन में चिपक रही है तो आप थोड़ा सा आटा लगा के उसे दोबारा से बेल सकते हैं.
रोटी बेलते वक्त एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रोटी जब आप बेल रहे हों उसे आप ज़्यादा पतली भी ना बनाएं और ज़्यादा मोटी भी ना बनाएं, क्योंकि आप अगर ज़्यादा पतली बनाएंगे तो ये फूलेंगी नहीं। जो हम घारगे या पूरियां बनाने वाले हैं वो फूलेंगी नहीं, इसीलिए हमें मीडियम साइज़ में बेलनी है। चलिए, हमारी रोटी बेल के रेडी है, अब हम इसकी पूरियां बना लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से हम इसे बना लेंगे। ये देखिए, हमने सारी पूरियां बना ली है, अब हम इसे ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हमने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये गई हमारी पूरी तेल में तलने के लिए। पूरियों को हल्के हाथों से हमें ऊपर से दबाना है, जब ये फूल जाएंगी तो अपने आप ऊपर आ जाएंगी। ये देखिए, हमारी पूरियां कितनी मज़े की फूली हैं, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। आपको इसे उल्टा पुल्टा करते रहना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं बनाने, हल्के भूरे हो जाए आप पूरियों को निकाल लेंगे। चलिए, हमारी पूरियां रेडी हो चुकी है, एक एक करके हम सारी पूरियों को निकाल लेंगे। चलिए, थोड़ी और पूरियां तल लेते हैं। सारी पूरियां तल के तैयार हो चुकी है, हमारे घारगे या पूरियां खाने के लिए तैयार है। आप इसे मिर्ची की चटनी के साथ या चाय के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ और देखना चाहते हैं तो टूथसोमेग्रब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।